हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यूपीएससी प्री 2023 की बात करेंगे कि 28 मई को होने वाला है। 28 मई 2023 को एग्ज़ाम होगा, ऐसा कैलेंडर में है, ठीक है, डेट। और अभी कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा बहुत टाइम है, ठीक है। कुछ लोगों को भी ऐसा भी लग रहा होगा कि प्री की तैयारी कर लेते हैं पहले अच्छे से। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि अभी थोड़ा मेंस को देख लेते हैं बढ़िया से, जनवरी में लग जाएंगे प्री के लिए। तो कई प्रकार के लोग होंगे यहाँ पे। तो जो तीनों प्रकार के लोगों के बारे में बताए हैं, ये तीनों प्रकार के लोग अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दें कि आप अभी बहुत टाइम है, या अभी प्री का फोकस कर लेते हैं, या फिर अभी मेंस का कर लेते हैं, जनवरी में प्री स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा सजग हो जाएं और तैयार हो जाएं, ठीक है। समय बहुत ज़्यादा नहीं है और किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो। कई बार लोगों ने पूछा है, सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए हमें। तो शॉर्ट ट्रिक भैया कोई नहीं है। अगर शॉर्ट ट्रिक होती तो हर एक बच्चा जो मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में बैठा है, सबका सब IAS बना होता, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, ठीक है। तो लंबा थोड़ा चलना पड़ेगा। लंबा चलने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चलते रहिए, लंबा चलना है तो चलेंगे ही। ऐसा नहीं है कि अब गधों की चाल नहीं चलनी है, घोड़े की चाल से चलनी है भाई, ठीक है। कि ट्रैक आपको दिख रहा है, रेलवे का ट्रैक है, उसी पे चलना है बस, ठीक है। खेत में दौड़ने लग जाएंगे रेलवे ट्रैक को छोड़ के, अगर ट्रेन अपनी पटरी को छोड़ के कहीं दूसरी तरफ घूम जाए तो कन्फर्म है कि वो पहुंचेगी नहीं सही जगह पे फिर, है ना। अगर ट्रैक्स पे ही चलती है अपने, तो स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद रहती है उसके, तो सेम कंडीशन आपकी भी है कि मेहनत गधों वाली ना हो, जैसे लोग करते हैं कि किताब पे किताब, किताब पे किताब आए जा रही, किताब पे पढ़ते जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई अंत नहीं है उसका, सिर्फ पढ़ रहे हैं बस। क्या करना है कुछ नहीं समझ नहीं। अभी अरे भाई प्री तैयार हो रहा है, कितना तैयार हुआ, अरे मत पूछो। अभी देखो इतनी किताब पढ़े अभी और बाकी रह गई, अभी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, उसमें किताबों की कमी नहीं है। अगर आप मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर जैसे एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि सुबह से लेके रात के 10 बजे तक करीब किताबों की खरीद चलती रहती है। कुछ लोग आते हैं तो किताब देख के निकल जाते हैं, तो लोग उनको कहते हैं पागल है, सिर्फ देखने आता है। और कुछ लोग आते हैं कि एक तरफ से उठाते हैं, फिर अपने लंबाई के बराबर किताबें उठा के मेज़ पे रखते हैं, भैया हिसाब बनाओ, भैया हिसाब जोड़ देते हैं। तो लोग सोचते नहीं पढ़ने वाला है, वो पढ़ने वाला नहीं, वो मार्केट वो बटोर रहा है, ठीक है, वो सोर्स इकट्ठा कर रहा है। सोर्स इकट्ठा करने के पर पढ़ाई नहीं होती है, सोर्स इकट्ठा करने पर सिर्फ नींद आती है, ठीक है। तो सोर्स इकट्ठा मत करिए, आराम से लिमिटेड सोर्स रखिए, पढ़ाई शुरू करिए भाई। और अगर 1 जुलाई से आप शुरू करते हैं, जैसा कि जो इसमें हम बात करेंगे, वो किसी मतलब 2016 बैच के सिलेक्टेड हैं भाई, IRS हैं वो, तो उन्हीं की रणनीति है, उन्हीं का बताया हुआ है, उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं। ये मत सोचिए कि उनको सीधे क्यों नहीं लाए, तो भी हम इतने बड़े नहीं हैं भाई, किसी को हम ऐसे बुला लेंगे, मित्र हैं तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन बस इतना उन्होंने किया है वही बहुत है, ठीक है।
तो उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी जो बातें रहीं, उन्हीं की बातों को हम आपको बता रहे हैं कि किस हिसाब से आप तैयारी करें। अभी मान लीजिए 1 जुलाई से आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, 28 मई को एग्ज़ाम है, 1 जुलाई से तैयारी शुरू करनी है आपको, तो मोटा मोटा देखें तो 10 महीने का समय है। वैसे तो 11 महीना, क्योंकि 28 मई है ना, तो हम वो 28 दिन नहीं जोड़ रहे हैं, हम अप्रैल तक की बात कर रहे हैं। 10 महीने का समय है आपके पास, इस 10 महीने में ऐसा क्या करना है भाई, इसी पे बात कर लेते हैं। या सिर्फ प्री की तैयार कर लेते हैं, या फिर अभी लंबा टाइम है छोड़ देते हैं, थोड़ा और हो जाए तब करेंगे, या फिर अभी मेंस कर लेते हैं, प्री का बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसी पर बात करेंगे, क्या कर सकते हैं आप क्या करें जिससे आपकी सफलता में जो कोई गुंजाइश रह गई हो ना, उसमें कोई संदेह ना रहे, कि आपकी सफलता में कोई संदेह रहे, लगता है ये 1 नंबर से रुकने वाला है, ये वाला जो गुंजाइश होती है कभी कभी, ठीक है। अरे एक एक प्रश्न और बन गया होता जीएस में तो मज़ा आ जाता, हो सकता है कट ऑफ ऊपर भाग जाए, तो इस गुंजाइश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बात करेंगे भाई, शुरुआत 1 जुलाई से हम करेंगे। 1 जुलाई से शुरुआत करते हुए, ठीक है, शुरुआत के हम 15 दिन की बात कर लेते हैं, पहला फेज है। शुरुआत के 15 दिन में आप सिलेबस देख लेंगे, प्री और मेंस दोनों का ध्यान होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है ना, पता चले कि सब पढ़ गए हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो किताब दिखी सुंदर सी है, बढ़िया चित्र बना हुआ है, चमक दमक दिख रही है, वो दिखे देखने में उसमें सी चेहरा भी नज़र आ रहा है, वो अच्छी किताब होगी, लेके चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। तो सिलेबस देख लो पहले, ठीक है, अंदाज़ा तो लग जाए कि पढ़ना क्या क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, बस पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस पता ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं। क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं भैया, यूपीएससी की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस पता है, अरे सिलेबस क्या है, वो सब इसी में आ जाएगा, सब पढ़ लेंगे पहले, सब कन्फर्म हो जाएगा। तो ये गलतफहमी निकाल दो दिमाग से, पहले सिलेबस उठाओ भाई, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों का, बाद में बताएंगे क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, हैं दिमाग हमारा अभी सही है, भांग पी के नहीं बता रहे हैं कोई, ठीक। दूसरी चीज है, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, प्री और मेंस दोनों के, सीसेट को लेकर चलना है साथ में, ठीक है। पेपर्स को उठा के उनके प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों का तरीका क्या है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, कितने घुमाते हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा आपको पढ़ने का। और सिलेबस आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा भैया क्या क्या छोड़ देना है, ठीक। पहली चीज, 15 दिन राजा की तरह करिए ये काम, ठीक है। दूसरी चीज है, सेकंड फेज में चलते हैं। सेकंड फेज में हम 75 से 80 दिन का समय लेंगे, समय जोड़ लेना पूरा, कितना टाइम बन रहा पूरा। इस 75 से 80 दिन के समय में आपको, क्योंकि आपने सिलेबस देख रखा है, पिछले साल 5 साल के पेपर भी आपने देख लिए, देखे हैं, पढ़े नहीं, पढ़ने को उन्हें बोला ही नहीं था, पहली बात तो सिर्फ हमने देखने के लिए बोला था, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। 75 से 80 दिन के समय में आप एनसीईआरटी उठाओ, कब से कब तक के भैया, देखो 6 से 8 तक बहुत पढ़े होंगे, बहुत समझे भी होंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, 9 से 12 तक के उठा लो एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ज़रूर उठा लो, एनवायरनमेंट वाली रहे तो सही है तब, ठीक। ये इतनी किताबें उठाओ 9 से 12 तक की, इनको पढ़ना शुरू करो। याद रहे कि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारी कहानियाँ जैसी दी रही होती हैं जिनको आपको समझना होता है, ठीक है,
उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार आपको पढ़ लेना है, पढ़ के क्या करना है उसको भैया, टिक लगा लो, अंडरलाइन कर लो, पेन उन लेके बैठो, किताब को सुंदर बना के रखने से कोई प्रदर्शनी में नहीं जाएगी वो, ठीक है। तो उसको अच्छे से रंग दो, बढ़िया अच्छे से रंगो, जितना रंग पाओ उतना रंग लो, ठीक है। अब उसमें लेकिन तस्वीर ना बना देना अपने किसी करीबी की, ठीक है, उसका चित्र ना बना के रंग देना। बस इतना है कि अंडरलाइन कर लेना कंटेंट जो आपने पढ़े हैं। जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे ना, तो जो आप अंडरलाइन किए रहेंगे उस पर आपका ध्यान बहुत जल्दी जाएगा। उन पॉइंट्स को दूसरी टाइम जब आप पढ़ें, दूसरी बार जब पढ़ेंगे, तो उनको नोट डाउन करते चलो, ठीक है, बराबर से 75 से 80 दिन के अंदर की बात बता रहे हैं अभी। दूसरी चीज़ है, जो पिछले 5 साल का पेपर आपने उठाया कर देखा था वहाँ पे ना, अब उनको यहाँ पे उठाओ फिर से। अब यहाँ पे क्या करना है, उनको पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि NCERT भी आप पढ़ रहे हैं, तो NCERT के जो जिस हिसाब से आप चैप्टर सेप्टर पढ़ते चल रहे हैं ना, उसी हिसाब से मेंस का देखिए, कोई प्रश्न आपको मिल जाए तो वो भी आप लिखने की कोशिश करिए। कुछ भी लिखिए, आम घास लिख डालो, अपनी आप बीती लिख दो, हैं, रात में कितना रोए रहे, है ना, कि सुबह ये वाली मतलब गुड मॉर्निंग नहीं बोले थे तो क्या हुआ था, यही सब लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने की आदत शुरू कर दो, ठीक है। तो पेपर उठा के देख लो, उनको पढ़ो, अब पढ़ना है, पढ़ने का समय आ चुका है, ठीक है। तो नोट्स बनाना है, NCERT एक बार पढ़ना, दूसरी बार दो बार NCERT पढ़ के ख़त्म कर देना है इस 75 से 80 दिन के समय में। 5 साल का पेपर जो है इसको भी निपटा लेना है, ठीक है। नोट्स भी बनाने शुरू कर देने हैं, साथ में आपको न्यूज़पेपर में इंग्लिश मीडियम के हैं तो भाई द हिंदू पढ़िए, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो जनसत्ता बड़ा अच्छा पेपर है, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, दिल्ली में तो दिल्ली में जितने लोग रहे हैं वो सब जनसत्ता के बारे में जानते हैं, अच्छा पेपर होता है जनसत्ता, ठीक है। या फिर एक दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण आता है, इन दोनों में से कोई भी एक ही उठाना, बस दोनों नहीं एक, बस कोई उठा कर पढ़ना शुरू करिए, पेपर भी लग जाइए इसी में। पेपर पढ़ने का, NCERT पढ़ने का, पेपर सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या क्या मिल जाएगा आपको, भाई देखो कंटेंट कॉन्सेप्ट आपको अच्छा खासा तैयार होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको आपके तैयार होंगे, फैक्ट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। दूसरी चीज़ है ना कि निबंध जो आपका होता ना, एक पेपर निबंध का भी होता ना मेंस में UPSC के, उसके लिए आपको टॉपिक मिल जाएंगे, टॉपिक नहीं मिलेंगे, उसके लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, क्या लिखना होगा, कैसा कंटेंट भूमिका कैसी बनानी होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और याद रहे, इसी बीच से ही आपको सप्ताह में एक ऐसे भी लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, मेंस भी प्रैक्टिस चले डेली, एक कम से कम एक प्रश्न, और सप्ताह में एक ऐसे भी होना चाहिए, ठीक, इतना करिए। इसके बाद हम तीसरे फेज़ की बात करेंगे। तीसरे फेज़ में आप क्या करिए, 120 दिन का समय है, निकालिए उसे 120 दिन में। तो उस 120 दिन में क्या करना है कि जो नोट्स वोट्स आपने बनाए थे NCERT के, जो NCERT आपने पढ़ी थी, फिर से उसको पढ़िए, ठीक है, नोट्स जो बनाए थे उसको भी पढ़िए। यहाँ पे आप लोग पूछते हैं ऑथेंटिक बुक, तो ऑथेंटिक बुक देखिए, NCERT ऑथेंटिक बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लक्ष्मीकांत उठा सकते हैं इसी समय से, ठीक है। NCERT के नोट्स पढ़ना है, लक्ष्मीकांत आप उठा सकते हैं अभी से, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर तैयार करते चलना है, जो पेपर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आप पेपर से ही करिए, नहीं तो आप चाहें तो मैगजीन
लाइए, महीने महीने की मैगजीन लेकर आइए, ठीक है। मैगजीन में ना, मैगजीन जो है सबसे अच्छी तो हमें बायजूस की लगती है, ठीक है। बायजूस की लगती है, ठीक है। तो ये मैगजीन मार्केट में उसे नहीं मिलती मेरे ख्याल से। मार्केट में आईएस बाबा की मैगजीन मिल जाएगी, विजन की नहीं कहेंगे हम, ठीक है। इंग्लिश वाले इनसाइट आईएस का ले सकते हैं, बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। शंकर आईएस का भी कंटेंट आता है मार्केट में, ले सकते हैं, ओके। तो करंट अफेयर भैया कम से कम 18 महीने का, 18 महीने का, 1.5 साल का लगभग तैयार होना चाहिए करंट अफेयर आपका। आप पेपर से 20 दिन पहले तक का बात कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न आपका चल रहा है प्रैक्टिस, डेली नियम से एक प्रश्न लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए, ठीक। वीकली एक निबंध भी चाहिए। पेपर पढ़ना बंद नहीं करना है। मैगजीन आप अपनी ले सकते हैं, मंथली आप पढ़ते रहिए। इसी 4 महीने में ना कम से कम आपको 18 महीना जोड़ लीजिए, पिछला जब से आ रहा हो 18 महीना, 18वां महीना, तभी से उठाइए 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, लो करीब 7, 8, 8 महीना का मैगजीन आप ख़त्म कर दें अच्छे से पढ़ के, इसी बीच में, इसी 4 महीने के टाइम में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, आर्ट एंड कल्चर में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कोई पता नहीं कौन कौन सी किताब है पढ़ते रहते हैं। हम सबसे अच्छी किताब मानते हैं CCRT, मार्केट में मिल जाती है, बड़े सस्ते दाम पे मिलती है, बड़ी अच्छी किताब है, ठीक है। और अगर ये ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप हमें बताइए, हमारे पास PDF है NIOS का, बढ़िया, वो भी अच्छी है, उसको हम सेंड कर देंगे, आप पढ़ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। नहीं तो दृष्टि का आता है, ठीक है, दृष्टि का आर्ट एंड कल्चर बढ़िया है, वो आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक। ये 4 महीने का है, इतना आपको करना है। यहाँ पे चौथे फेज में जब चलेंगे ना, तो 50 से 55 दिन का समय हम ले लेंगे। उस 50 से 55 दिन के समय में क्या करेंगे, जो कुछ भी पढ़े थे उसको दोहराते रहना है। टेस्ट, अब टेस्ट की बारी है, टेस्ट आपको शुरू कर देना, लगाना, क्योंकि आप अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। करंट अफेयर भी आपका लगभग तैयार हो चुका है, 10 महीने का तैयार ही हो गया होगा। NCERT भी आपकी अच्छी खासी निपट चुकी है। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रखा आपने, बढ़िया प्रैक्टिस भी चल रही है, पेपर भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, तो आप अब पेपर उठाइए, टेस्ट उठाइए, टेस्ट लगाना शुरू करिए। टेस्ट में भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कौन सा टेस्ट लगाएं। तो IAS बाबा का टेस्ट आता है मार्केट में, बड़ा अच्छा टेस्ट है, ठीक है, बाबा, बहुत बढ़िया टेस्ट है इनका। IAS बाबा है, इनसाइट IAS, शंकर IAS का है, अच्छा टेस्ट है। व्याख्या बहुत नॉर्मल देते हैं, सिंपल देते हैं, प्रश्न भी बहुत सिंपल ही रहता है, जैसा कि पैटर्न होता है उसी हिसाब से होता है, बहुत भारी भरकम नहीं है, बहुत दिखावेपंथी नहीं है, एकदम सिंपल सा है सब। टेस्ट ले लो, अब टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ये 55 से 60, 50-55 दिन जो अभी आगे 30 दिन बताएंगे ना, ये 30 अप्रैल तक से पहले की बात सब चल रही है। अभी तो 28 दिन उधर, 25 दिन तो उधर बचेगा ही ना, मई में, बहुत लंबा टाइम है भाई। इसमें 2 महीने इधर है, 1 महीना, 3 महीने तो ही हो गया, लगभग 4 महीने का समय है। 4 महीना में टेस्ट लगाएंगे ना, अच्छा खासा कवर हो जाएगा, इतना हमको पता है। लेकिन मेंस की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, अभी भी इस 55 दिन में मेंस की प्रैक्टिस करते ही रहना है। ऑप्शनल छोड़ दो, GS अच्छे से कवर करो पहले। GS ही नहीं कवर हो रहा, आपका निबंध भी कवर हो रहा है, ठीक है, ओके। CSAT की प्रैक्टिस भी अब शुरू कर दीजिए, या फिर अभी भी रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करंट अफेयर
पढ़ते चलना है, प्रैक्टिस होती रहना है। इसके बाद अब पांचवें स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे, वो 30 दिन जो रहेगा, 30 अप्रैल वाली बात, 30 अप्रैल से पहले वाली सारी बात कर रहे हैं अभी, उस 30 दिन में कुछ भी नया नहीं करना है। जो कुछ पढ़ा था उसी को पढ़ना है बराबर से, जल्दी जल्दी निपटा के निपटाते हुए चलना है। अब हो सके तो मेंस की प्रैक्टिस रोक दो, ठीक है, मेंस की प्रैक्टिस रोक दो, या फिर एक प्रश्न आप लिख सकते हैं, इतना टाइम रहता है, 10 घंटा 12 घंटा कोई नहीं पढ़ता है भाई, ठीक है, 6 घंटा पढ़ के ऊब गए तो आप एक प्रश्न ही लिख दिए बैठे बैठे, है ना, सोचते रहे क्या करें क्या करें, तो याद आया बात कर लें, नहीं बात नहीं करेंगे, लाओ प्रश्न लिख लेते हैं, काय टाइम बर्बाद करें फालतू, है ना, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा पर खास करके फोकस करके वो करते हुए अपना टेस्ट, आप एक एक टेस्ट चलते रहने देना है भाई। और जो टेस्ट पिछले वाले लगाए थे ना, उनको रिवाइज करते रहिए, उनकी व्याख्या को खास करके, ठीक है। और टेस्ट आप ले सकते हैं, IAS बाबा का है, इनसाइट IAS का है, शंकर IAS का है, बाकी तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आते, तो हम काहे बोलें आपको, ठीक है। इसके अलावा फिर पिछले पेपर जो आपने एक बार देखे थे उनको ना हो तो एक बार फिर से CSAT के लिए उठा लीजिए, CSAT थोड़ा क्लियर करना है भाई, काहे को उसमें वो बहुत बहुत खतरनाक है ना, मतलब कुल मिला के यही काम है भैया, दोहराते रहना है। ये आपका 30 अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, ये 30 अप्रैल तक की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम बात करेंगे शुरुआत में 3 महीने की बात, शुरुआत की जो 2.5-3 महीने रहेंगे ना, उसमें आप पढ़े रहेंगे तो आपको खुद भी लगने लगेगा यार कुछ तो किए हैं इतने दिन में, आपको खुद अंदर से आवाज़ आएगी, इस बार करेंगे हम, हो जाएगा इस बार तो पक्का है, लगने लगेगा आपको उसी 2-2.5 महीने में, बाकी आप बराबर करते रहेंगे। तो इतना श्योरिटी आ जाएगी आपके अंदर कि इस बार पार उतरना है, कुछ भी हो जाए पार करके आएंगे हम, ठीक है। 30 अप्रैल का समय बीतेगा, फिर उसके बाद अपना प्री का ही तैयार करते रहिए भैया, प्री का जो कुछ था वो उसको पढ़ते रहिए। अब टेस्ट वेस्ट लगाना बंद करो, जो कुछ अभी तक लगा लिए हो 20-25 टेस्ट, वही सब अपना सॉल्व करते रहिए बढ़िया से, उसी को बार बार पढ़ते रहिए। अगर आपने इतना कर लिया है तो पक्का है 100% सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सफलता से आप दूर नहीं रहेंगे, सफलता आपके बहुत पास में रहेगी, ठीक है। इतना अगर कर लेंगे तो बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ज़्यादा पढ़ के मतलब 10 किताब एक बार पढ़ना ठीक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ठीक होता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लेना, ठीक है। लिमिटेड सोर्स रखेंगे तो शांति मिलेगी, शांति वो शांति नहीं बोल रहे, मन की शांति की बात कर रहे हैं, गलत वे में मत जाना कोई, तो लिमिटेड सोर्स रखो, पढ़ाई करिए अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत है डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास होके पूछिए, मैसेज करेंगे तब भी बताएंगे, फ़ोन करेंगे तब भी बताएंगे, क्योंकि हमें हमसे रहा नहीं जाता, कोई अगर पूछता ना तो बताते ज़रूर हैं हम, और ऐसा भी नहीं बताते हैं तो गलत सलत बता देते हैं, कुछ बता देंगे, ऐसे नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो अगर हमको पता है तो बता देंगे तुरंत, नहीं पता रहेगा तो उसको
भाई गूगल वूगल कर लेंगे, हमारे पास भी गूगल रहता है, हमारे मोबाइल भी बड़ा वाला मोबाइल हम भी रखते हैं, नेटवर्क हमेशा चलता रहता है ना। तो दूसरे कोई भले रिचार्ज करवा रहा हो लेकिन नेट हमारे मोबाइल में 24 घंटा चलता है, और रोज़ हम 200 GB डाटा ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना किस लिए खर्च करते हैं, लेकिन 20-25 GB डाटा हमारा डेली का खर्च होता है। अभी भी अपना वो दिखा देंगे ना हिस्ट्री, तो इस महीने का अभी तक का बात कर रहे हैं, करीब हो गया होगा 450 से 500 GB डाटा हमारे उसमें यूज हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि बस पढ़ते रहो, कोई डाउट है दिक्कत है आप पूछो। बाकी आप लोग जो इच्छुक हों, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं UPSC प्री 2023 के लिए। फीस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 199 है। अभी हमने 50% ऑफ कर रखा है, तो 1,000 में एडमिशन हो जाएगा आपका। और अगर मान लीजिए किसी को समस्या है फीस की को लेकर कि भाई उनके पास नहीं हो पा रही या हो पा रही तो कम हो पा रही है, वो 2-3 बार में दे सकते हैं, ऐसा कुछ अगर समस्या है आपके पास, जेन्युइन समस्या होनी चाहिए, फर्जी वाली समस्या की बात नहीं कर रहे हैं। फर्जी वाली समस्या की गर्लफ्रेंड का कि को घड़ी गिफ्ट करने का पैसा है, हमको फीस देने का पैसा नहीं है, तो ये वाला मैटर ना सोचना, है ना। गर्लफ्रेंड को ही नहीं, उसको क्यों बदनाम कर, बॉयफ्रेंड के लिए भी ऐसा, अगर आप लोगों के पास है कि बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए पैसा है, हमें फीस देने के लिए नहीं, तो ये वाला परेशानी नहीं है। परेशानी सही में होनी चाहिए कि जिन्होंने है व्यक्ति पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहता है लेकिन उसको मजबूरी है, नहीं पढ़ना पढ़ पा रहा, तो उसके लिए भैया हमेशा सुविधा है, वो कभी भी पढ़ सकता है, क्लास ज्वाइन कर सकता है, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे पढ़ने के लिए, और हम पढ़ाएंगे भी, और कभी फीस नहीं मांगेंगे उससे। इसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि वो डिसाइड हम ही करेंगे, ठीक है ना। तो जिनके पास दिक्कत हो बिल्कुल बात करिए, खुल के बात करिए, अपनी समस्या खुल के बताओ, क्या काहे के शर्म, हम भी स्टूडेंट रहे हैं भाई, दिल्ली में हम भी रहे हैं, हमने भी देखा है वो दिन, बहुत गिरे दिन हमने भी देख रखे हैं अपने जीवन में, तो उस दिन को हम अभी भी याद करते हैं कि ऐसा दिन होता है बच्चों की लाइफ में, जो स्टूडेंट हैं जो अभ्यर्थी हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसे दिन लगे रहते हैं, तो कभी अमीरी तो कभी गरीबी। हमारे पास जिस दिन अमीरी होती थी दिल्ली में, हम उस दिन खूब चाय पिलाते थे, इतनी चाय जो बैठा रहता था कहीं, और नमस्ते भी कर लिया कोई ऑटो ड्राइवर तो उसको भी, ए चाय पिलाओ, इनको भी उसको भी जूस पिला देते थे सबको। और जिस दिन पैसा नहीं रहता जेब में, उस दिन देखते ताकना भी नहीं मुनासिब नहीं समझते थे, हम ताकते भी नहीं थे, चुपचाप मुंह नीचे करके निकल जाते थे धीरे से, भाड़ में गए तो समाज सेवा ना करेंगे, है ना। तो पैसा समस्या बहुत आती है लोगों के पास, हमने भी वो दिन देखे हैं भाई। तो वो अपनी समस्या आप बता सकते हैं, खुल के बताओ, हम भी झेले हैं, हमें पता है, हम समझते भी हैं आपकी परेशानी, तो खुल के बताने में कोई समस्या शर्म नहीं आनी चाहिए। आप बताओगे हम आपकी परेशानी समझेंगे, आपका निराकरण भी होगा, ठीक है। और पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसमें यह मत सोचना कि कोई और कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं तो बस बात ख़त्म, ठीक है। तो पढ़ाई ज़रूरी है, फीस का क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है ना, पैसा तो आता जाता रहेगा जीवन भर, एक बार पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे तो, कभी आप भी ऐसी किसी की हेल्प कर देना, बस बात ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ही समाप्त करेंगे, और जो समस्या है ना अपने, अब बात करने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमारे, और यह नंबर सबके लिए है, कोई स्पेशलिटी नहीं यहाँ पे कि इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। लड़का लड़की चाहे सब कोई भी फ़ोन करके पूछ बात कर सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, लड़के लड़कों के लिए भी ये सुविधा है, ये ना सोचें कि हम कैसे बात करेंगे, ठीक है। 7877-50-65-30, 7827-50-65-30 हमारा नंबर है, इसी पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।